ये जीते हैं उसको बनवाए, आपको नहीं जानते। मेरा शुभ नाम अमन प्रताप सिंह, मैं भारतीय किसान सावित्री गुट का पदाधिकारी हूँ। मैं खड़ा हूँ कैथन गांव, ब्लॉक भरावन और बहुत ही ग्राम सभा। यहाँ पर लोगों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि लोगों को घर बनाएंगे, निवास दिए जाएंगे, शौचालय दिए जाएंगे, उस तरीके से कोई भी योजनाएं हमको यहाँ नहीं दिख रही हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी योजनाएं जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं, उनके जो लोग हैं, जो उनके अधिकारी हैं, जो अधिकारी लेवल के लोग हैं, वो इन तक तक इन गरीबों को इनकी हक इनको नहीं दे रहे हैं। कब तक कि गरीब आवास लोग उनके नेता उनके सपनों को तोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, जिस तरीके वो सपना बताते हैं लोगों को। हम लोग उन लोगों को टीवी पर देखते हैं, वो बताते हैं सपना है हमारा कि हम लोगों को घर देंगे, आवास देंगे, शौचालय देंगे। हमारी माँ बहनें लोग अभी भी गांव में खेत में शौचालय में जाते हैं। एक कैथनखेड़ा गांव में एक शौचालय नहीं बना और किसी भी प्रकार का कोई भी शौचालय यहाँ पे मौजूद नहीं है। कॉलोनी दी गई है दो, जिसमें पल्ला नहीं लगा है, कहीं पर स्लेब जो है RCC की डालनी चाहिए, RB की स्लेब डाली गई है। मतलब कि भ्रष्ट तरीके से यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको लगता है कि अधिकारियों की संलिप्ति है जाके? हालांकि जिला अधिकारी महोदय को बहुत सारे सब चीज काम कार्यों के लिए सराहनीय और सम्मानित किया जाता रहा है, और जैसा कि कार्य भी कुछ हद तक सराहनीय है जिला अधिकारी महोदय जो अपने यहाँ जिला में बैठे हुए हैं पुलकित खरे जी, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ जिस तरीके से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उनको लोगों को हक देते हैं उस तरीके से, उनको जैसे कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म भर जाते हैं, लोग वहाँ से वो भेजते हैं और वो बोलते हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पर आवास बना दिए गए हैं। अगर आवास बना दिए गए तो प्रधानमंत्री आके DM साहब खुद देखें कि यहाँ पर कौन सा आवास किसको बनाया गया है, या पर ये गांव वाले झूठे हैं या उनके अधिकारी झूठे हैं। तो क्या ब्लॉक से अधिकारियों के संलिप्त हैं जी? अब है क्यों नहीं, इसमें तो बहुत सा घोटाले टे हैं। प्रधानमंत्री आवास में एक जो है आवास दी जा रही है 1,25,000 रुपये दिए जाते हैं, 1,00,000 रुपये लोगों को दिए जाते हैं, जिसमें से 25,000 रुपये पहले ही ले लिए जाते हैं। यहाँ का प्रधान कहता है जिसको वोट दिया है, इस तरीके के अगर राजनीतिक लोग या ऐसी बात बोलेंगे तो अगर वोट नहीं दिया तो प्रधान कैसे बन गए? 20,000 दोगे तो कॉलोनी। तो आप प्रधानमंत्री से क्या मतलब चाहते हैं कि किस तरीके से इस पे कार्य किया जाए, और यूपी की सरकार में जैसे बैठे हैं माननीय योगी जी से क्या चाहते हैं? मैं अपनी आवाज किस तरीके से उनको तक पहुंचा, योगी जी से यही चाहता हूं कि इन लोगों को इनका हक दिया जाए, जिस तरीके से वो लोगों को बता रहे हैं, लोगों से कहते हैं कि उनको उनका हर हक दिया जाएगा, इन लोगों को उनका हक दिया जाए। हम लोग भारतीय किसानों के लिए किसान के हित में ही बात कर रहे हैं, ना ही हमें किसी से कोई बेनिफिट है, ना ही हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री योजनाएं जो लोगों को दी जा रही है उन तक प्राप्त हों, और हमारा यही लक्ष्य है। इसी गांव में नहीं, हर गांव में लोगों को बहुत सी दिक्कतें हैं, हर लोगों को ये सब चीजें दी जाएं, और मैं चाहता हूं जो उन भ्रष्ट लोगों को तुरंत हटाया जाए, और जो उनके नेता उनके सपने तोड़ रहे हैं, जैसे कि माननीय सांसद जी हमारी कभी यहां पर नहीं आती, वोट मांगने के लिए हमेशा ही आती हैं, तब बोलते हैं कि हमके परिवार कैसे हैं, क्यों नहीं